हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सिमता। आज हम बात करेंगे कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स के बारे में। और जो इस वीडियो में मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उसे मैंने मंगवाया है कुकबीट कंपनी से। कुकबीट कंपनी के पास कास्ट आयरन की होल प्रोडक्ट रेंज आपको मिल जाएगी, चाहे वो तवा हो, डोसा तवा हो, फ्राई पैन हो या कढ़ाई हो। तो आज मैं हम बात करेंगे कि हमें कास्ट आयरन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्यों यूज़ करने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल फ्री हैं, उसमें किसी तरह की कोई भी कोटिंग नहीं होती है और ये बने होते हैं 100% आयरन के साथ। जो लोहा होता है उसको डायरेक्टली पिघला के फिर उनको सांचों में मोल्ड करके ये कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और इसमें किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं रहती है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं उनके ऊपर केमिकल कोटिंग होती है और जो डायरेक्टली हमारे शरीर में जाती है तो उसके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि कोई भी खट्टी चीज़ जैसे टमाटोज या इमली की कोई भी सब्जी या कोई भी रेसिपी हम एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं या नॉनस्टिक पैन में या किसी भी बर्तन में बनाते हैं तो वो जो उसका केमिकल है वो डायरेक्टली हमारे शरीर में जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि इसमें जो मौजूद आयरन होता है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और बहुत सारे इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और ये हमारे शरीर में जो आयरन की कमी को भी दूर करता है। और इसके साथ ही साथ ये एनर्जी सेविंग है और टाइम सेविंग है। इसमें बना हुआ खाना काफ़ी लंबे समय तक गर्म रहता है क्योंकि ये काफ़ी देर तक अपने अंदर हीट रिजिस्ट करके रखता है, क्योंकि ये हैवी होने की वजह से जल्दी ठंडा नहीं होता है। और इसमें जो भी चीज़ हम बनाते हैं, जैसे चाहे वो परांठे हों या कोई सब्जी हो, वो बहुत ही क्रिस्प बनती है। उसका जो टेक्स्चर है या टेस्ट है वो बहुत ही निखर कर आता है। तो इसलिए जो कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स हैं उसे हमें अपने जो डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम के हों या फिर नॉन स्टिक के। और अब हम बात करते हैं कि हमें इसे सीज़न कैसे करना चाहिए। अगर तो आप कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसे अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद उसे आपको लगभग 5 से 6 मिनट तक गैस के ऊपर गर्म कर लेना है, उसका सारा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म कर लेना है। और उसके बाद उसे आपको जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसके साथ उसको सीज़न करना है अच्छी तरह से। आपको उसके ऊपर जो ऑयल है वो लगाना है दोनों तरफ, अंदर और बाहर की तरफ, और उसे अच्छे से सुखा कर आपको रख देना है। यही एक परफेक्ट तरीका है इसे सीज़न करने का और इससे इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ती है। तो आप ये जो सीजनिंग है ये इसका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जितनी भी बार आप इसे यूज़ करें उसके बाद आप इसे सीज़न करके रखना ना भूलें। जैसा कि आजकल के टाइम में हर एक बंदा अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहता है और उसको फिकर रहती है अपनी हेल्थ की, तो ये जो कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स हैं ये एक स्टेप है हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की तरफ। तो मैं तो ये सुजेस्ट करूँगी कि हर एक को अपने घर में ये जो कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स है वो ज़रूर शामिल करने चाहिए। और ये जो सारी प्रोडक्ट रेंज है आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे इजीली बाय कर सकते हैं। और ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।